वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले लंबे अरसे तो सिख कौम दियां भावना नाल जुड़े हुए जिहड़े सिख कैदी वख वख जेलां दे विच बंद आ, उन्हां दे बाबत सारी कौम दियां वख वख जथेबंदियां भी पैरवाई कर रही, पर मुंडले तौर पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बीड़ा चुकिया। अज तो उन्हें 2014 तो लगातार इन्होंने जतन जारी है। वो तहत पहला भी असी एक रिप्रजेंटेशन तो तौर के उत्ते वख वख जिलों के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर से असी मैमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहबान दिते सी। हुण सारे मैंबर साहबान जिला वाइज मीटिंग करके कल कल के व्यू लैके वो असी कल जनरल हाउस की मीटिंग सदी आ, जिहदे समुचे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान पहुँचणगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। मैं आज भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक मान्या श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नू चिट्ठी लिखी आ रिमाइंडर दे तौर पर, उहदी चिट्ठी अज आपां प्रैस नू भी रिलीज करांगे। उहदे विच जिहड़े नौ कैदी सिख जिहड़े संघर्षी योधे उहनां दी लिस्ट भी दित्ती आ, नाल ते नाल दी नाल टाइम दी मंग कीती आ कि श्रोमणी गुरद्वारा कमेटी दे पांच मैंबरी वापस नूं सानू टाइम दिता जाए। सो उहदे लई भी जतन सारे जारी आ, नाल दी नाल असीं कापी ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर शेखावत जी उहनां नूं भी भेज रहे हां जानकारी हित। तो इहदे लई असीं कल नूं फिर सारी रूपरेखा लीक के ते जिहड़ा नवां कोई संघर्ष जां जिहड़ा भी कोई नवां कदम चुकणा उहदे बारे फिर कल नूं जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सारा जिहड़ा उह तुहाडे नाल सांझा कीता जाऊगा। और मैं आस रखदा कि गुरु साहब कृपा करन इस हिरदता दे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इहदी तर्जमानी कर रही आ। कई बारी आपां इक साडे विद्वान आ सिख विद्वान, उन्होंने कल ये व्यू दिते पांच चार दिन पहला कि ये लीगल तौर पर क्यों नहीं प्रोसैस शुरू कर दी, तो मैं उन्होंने बेनती करनी चाहुंदा वी दविंदर पाल भुल्लर का प्रोसैस दूजिया जथेबंदियों ने शुरू किया आ, राजोवाणे साहब का असीं प्रोसैस शुरू किया आ। वैसे जिसले बंदा पैरोल ते रिलीज करना फिर कोर्ट के ऑर्डर की लोड़ नहीं होंदी, ये एडमिनिस्ट्रेटर तौर के उत्ते सरकार ने देखना हुंदा, वो फिर कैबिनेट के विच जांदा ते थल्ले स्टेट उन्होंने रिकमेंड करती है। सो अपने इवें दे भरम भुलेखे पा के नहीं, असीं बिल्कुल सुहिरदत दे नाल इहले तनदेही दे नाल अपना जिहड़ा आ वो डेमोक्रेटिक नॉर्म के तहत रह के अपना सारा जिहड़ा जतन जारी रखांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।